जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं यही आराधना करता हूँ कि आप सभी को वो हमेशा खुश रखें, आनंद में रखें और आप हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पत्नी की 5 गलतियाँ पति को भिखारी बना देती हैं। मतलब भिखारी बना देने से सीधा शर्त है कि घर में नकारात्मकता, काम नहीं बनना, चीज़ों का सब उलटफेर हो जाना और कई बार तो बड़ी बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाना। क्योंकि ये जो 5 गलतियाँ हैं, ये आम धारणाओं में आम लोग जो हैं कभी ना कभी करते हैं, इसलिए इन 5 गलतियों को आप आज समझ लें या आप जाने अनजाने में भी इसे ना करें। तो इस वीडियो को हम शुरू करें, इस वीडियो में हमारी बात अब आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा ज्योतिष रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिलते रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो कमेंट्स में ज़रूर आप उनका नाम लिखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि वो कौन सी 5 गलतियाँ जिनकी हम बात करते हैं। कर्मफल इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को मिलता है और कई बार हमारे किए गए कर्म हमारी पीढ़ियाँ भुगतती है। ये कई सारे परिणाम बहुत से लोग इसको झेल रहे होंगे, बहुत से लोग ने इसे प्रैक्टिकल जिया होगा कि कई बार हमारे पूर्वजों द्वारा कोई की गई गलती है वो हम आज भुगत रहे हैं या हम उन परेशानियों को झेल रहे हैं। इसलिए कर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली गलती है जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, किसी भी स्त्री को नहीं करना चाहिए, और वो है सुबह लेट उठना। अब यहाँ से इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझें, क्योंकि सुबह सूर्य उदय से पहले उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी और देवी का स्वरूप होती है स्त्रियाँ। तो पूरी कोशिश करें अपनी कि आप सूर्य उदय से पहले उठें। सूर्य उदय से पहले उठें, जो भी अपना काम है वो आप निपटा सकते हैं। अगर आपको सोना ही है तो दिन में जब वक्त मिले आप उस नींद को पूरी कर लें, इस तरह का एक शेड्यूल जमाएं। लेकिन सूर्य उदय होने से पहले आप उठें, माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात है कि जो घर में साफ़ सफाई नहीं रखते, बहुत सारे घर में महिलाएं साफ़ सफाई नहीं रखती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की है, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है, पर मोटिवेट तो महिलाएं करती हैं सफाई के लिए। वो जब तक इस बात को लेकर एक आइडियोलॉजी नहीं बनाएगी, एक व्यवस्थाएं नहीं सेटअप करेगी, तो घर के सब सदस्य भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए साफ़ सफाई अगर महिला रखेंगी पूरे घर की, तो स्वतः ही उसमें रहने वाले लोगों को उस नियम को फॉलो करना होगा। तो दूसरा कारण ये, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखने से दरिद्रता, आग लक्ष्मी, अशुभ लक्ष्मी आती है। तीसरी बात है कि हमेशा सच बोलें, जाने अनजाने में झूठ ना बोलें। चौथी बात है कि कई सारी महिलाएं जो होती हैं वो बेफिजूल विवादित स्थितियाँ पैदा कर देती हैं, उनको विवाद करना अच्छा लगता है, ये भी एक सावधानी। और पाँचवा, अपने गुरु मंत्र का जाप।